अमरेली जिल्लामां सिंह नीलगाय सहितना वन्य प्राणीओनी असामाजिक तत्वो द्वारा शिकारनी घटना बनी रही छे, जेना पगले वन विभाग अलर्ट थयो छे। अमरेलीना सावरकुंडला रेन्जना अमृतवेल विस्तारमां नीलगायनो घातक हथियारो साथे शिकार करती टोळकी ऊपर वन विभाग त्राटकी अने जेने लई समग्र विस्तारमां अफरातफरी मची गई। रेड दरमियान बे आरोपीओ फरार थया छे अने आखी टोळकी नीलगायनो शिकार करती हती, जेथी पोलीस त्राटकी अने चेक करता जामनगरी बंदूक बनावानो सामान कुहाड़ा जेवा घातक हथियार मळी आव्या छे। नीलगायने जामनगरी बंदूक वडे मौतने घाट उतारी शिकार कर्यानुं पण खुल्यु छे। पोलीसे सावरकुंडलाना रहेवासी आरोपी सत्तार काळु मोरी सुल्तान रहमान लाडकने झड़पी गुनो नोंधी આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। અમે જ્યારે એનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું ચામડાનું, ત્યારે એમાં દેશી બનાવટની બંદૂકથી એનો મૃત્યુ નિપજાવવામાં આવ્યું હોય એવું અમને જણાવેલું છે। ત્યારબાદ અમે એફએસએલના અધિકારી અને અમારા વેટરનરી ડોક્ટર્સ આરએફઓ દ્વારા અમે એના વિવિધ પ્રકારના નમૂના લઈ અને એને પૃથ્થકરણ માટે જૂનાગઢ લેબોરેટરીમાં મોકલેલ છે। जूनागढ़ रोपवे सेवा बंद है, तीव्र पवन फूंकाता रोपवे सेवा बंद कर 70 किलोमीटर की झड़पे फूंकाई रो पवन, प्रवासी की सुरक्षा ने ध्यान लई रोपवे सेवा बंद कराई। आज रोपवे सेवा बंद रहे ती शक्यता है। बर्फीला पवन ने लई गिरनार ठंडोगार बनी गयो। पहाड़ी विस्तारों में हवामान सतत बदलाई रह्यु छे, चारे बाजू मात्र बरफ ज देखाई रह्यो छे। वृक्षों छोड़ घर गाड़ी बरफथी ढंकाई गया छे। हिमवर्षा पछी तापमान सतत घटी रह्यु छे। ओली पहोंचेला प्रवासीओ कड़कड़ती ठंडी वच्चे हिमवर्षानी मजा माणता जोवा मळ्या। वातावरणने जोता ओलीमां नेशनल गेम्सनी अपेक्षा वधी छे। 21-24 फेब्रुआरी दरमियान प्रवासन विभाग अने उत्तराखंड सरकार द्वारा नेशनल स्केटिंगनुं आयोजन कराय छे, तो ते पहला आयोजकों पण बरफवर्षा थी खुश है। स्नोफॉल होती है तो गेम अच्छे तरह से हो जाएंगे जी। और आज से हमारे यहाँ पे कोर्सेज भी चालू हो गए हैं जिसमें लोकल कैंडिडेट हैं जी। सर बर्फबारी तो अच्छी खासी हो रही है, एक डेढ़ इंच के आसपास बर्फबारी हो चुकी है, यहाँ पे जम चुकी है जी। बर्फबारी है हल्की हल्की, सुबह से स्टार्ट हुई, अभी 2-3 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। मेरे साथ और भी दोस्त लोग आए हैं और अब नीचे एक होटल में स्टे करा था हमने, वहाँ पे खाना वाना सब कुछ अच्छा है और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया माहौल है, विंटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो आप। अपनी लाइफ में पहली बार बर्फबारी देखी है, काफी आनंद आ रहा है, काफी मजा आ रहा है, तो इतना दूर से आना एक तरह से सफल हो गया, मतलब काफी अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा लाइफ का। थैंक यू। नदी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है और आप देखें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के गाड़ियों में इस समय बर्फ जमी हुई है और हर जगह जहां भी कैमरा पहुंच रहा है वहां पे आपको केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही होगी। स्थानीय लोग भी बर्फबारी के बाद काफी परेशान है क्योंकि बर्फबारी के बाद पहाड़ों में रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कों पर बर्फ जम जाती है, बिजली पानी की भी दिक्कतें सामने आती है और धीरे धीरे जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो -10 से लेकर -15 तक तापमान गिरा है और जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हालांकि उनकी मुरादें जरूर पूरी हो रही हैं लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फ काफी मुश्किलें पैदा करती है। नितिन सेवा, न्यूज 18 चमोली।